मैं पीयूष को बुलाना चाहूंगा, आप यहाँ पे आके मेरी दिल की धड़कन सुनना चाहेंगे पीयूष? बिल्कुल यार भाई, अपनी दिल की धड़कन सुनानी थी, एक लड़की को बुला लेते हैं। पीयूष को क्यों सुना रहे हो भाई? अभी आपको मेरी हार्ट बीट और साथ में नॉर्मल मोड है, मेरी आजू बाजू की आवाज भी आपको सुनाऊंगा, वो भी आएगी अभी। अभी आपकी हार्ट बीट सुन रही है, हार्ट बीट है और अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें, हाँ, से भी थोड़ा भी आपको आ रहा होगा। अब अभी मैं इसमें हार्ट मोड लगाता हूँ। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा तो वो आवाज आपको नहीं आएगी, पहले जो आ रही थी। आपकी भी आ रही है पर ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर आ रही है। और लंग्स वाला क्या है? तो आपका सांस का आवाज आ रहा है, तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप में भी आता है पर क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ब्लूटूथ है इसमें, जिसके थ्रू सारा डेटा यहाँ से इसमें जाता है। बॉटम लाइन इस गांव के डॉक्टर के पास आपका डिवाइस होना चाहिए। Yes. वो डेटा ये ऐप से एक शहर के डॉक्टर के पास जाएगा। Yes, yes, yes. वो एनालाइज करके गांव के डॉक्टर को बता सकता है। बता सकता है। That's how it happens. और अलग अलग पोजीशन पे रखना पड़ता है। Yes, yes, yes. जो वो पोजीशन आप फोटो में दिखाते हैं। Yes. बढ़िया। हार्ट में 4 लोकेशन है, लंग्स में 18 लोकेशन है। Oh. तो पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन का साउंड है। ये कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक किसने किया नहीं? डिजिटल स्टेथोस्कोप ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्टिंग है। ओके, द डिफरेंस इज इंडिया में इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग है। कॉन्टेक्स्ट क्या अलग है? दिल तो दिल ही है। क्या है, इंडिया में एक पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता है। सही है। इसके जरिए डॉक्टर का टाइम टू गेट द डायग्नोसिस भी कम है। तो जो चीज है, एक है रिमोट टेलीऑस्कल्टेशन, दूसरा विद इन क्लिनिक भी क्या है, डॉक्टर को अभी सुनते हैं लेकिन उसका फोनोकार्डियोग्राफी कुछ नहीं है डेटा। ओके, हमारे पास डेटा भी, मैं हम दिखाने भी चाहते हैं, एक 5-year-old कंजेनिटल हार्ट डिजीज का साउंड है। ये देखिए, अब किसी के हार्ट में छेद है तो ऐसी साउंड आती है। तो आपका डिवाइस डॉक्टर को गाइड करता है और इसमें डॉक्टर को हेल्प करता है, तो वो इनपुट लेके उनका डिसीजन भी अलग हो सकता है। अंडरस्टूड। Thank you.